नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिजनेसमैन है जो एज ए ठेकेदार वर्क करते हैं, हरि ओम इंसा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो डेरा सच्चा सौदा को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का, हरि ओम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है जी। सर आप कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में? लगभग 1999 मैंने नाम लिया, 2001 को 11 सितंबर 2001 को मैं ब्लॉक भंगीदास हूँ जब से लगातार, और मानवता की सेवा जो भी गुरुजी की प्रेरणा से 134 मानवता भलाई के कार्य हैं वो सब कर रहे हैं। एक मैं छोटा सा राजमिस्त्री हुआ करता था, और आज मालिक की कृपा से मेरे अंडर में 10-15 मिस्त्री मजदूर काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है, जो भी गुरुजी ने शिक्षा दी है बहुत अच्छी शिक्षा दी है। सर आपका पूरा परिवार आता है आश्रम में? हाँ पूरा परिवार आता है। कैसा माहौल लगता है सर? बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा दुनिया में कहीं माहौल नहीं है जैसा माहौल। बेटियों को लेकर कैसा माहौल है? बेटी का एडमिशन अभी मैंने यहीं पे करवाया है प्लस वन में, और एक बेटी मेरी इंटर प्लस टू में पढ़ती है वहीं खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में। सर मतलब बेटियों की सुरक्षा कैसी रहती है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, ऐसी सुरक्षा दुनिया के किसी जगह नहीं है। लेकिन सर मीडिया में तो बहुत उल्टा दिखाया जा रहा है। मीडिया में तो सारा उल्टा सुल्टा दिखाया है, वो सारा गलत दिखाया है, टीआरपी बढ़ाने का चक्कर है और कुछ नहीं। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। क्यों एक संत के ऊपर इस तरीके से गलत आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इतिहास पढ़ा है श्री रामचंद्र जी, ये दुनिया वालों ने श्री रामचंद्र जी को नहीं बख्शा, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, संत रविदास जी सबके साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो सब चलता आया है। पहले जिसका दृढ़ विश्वास है, हमारा दृढ़ विश्वास पूरा है, पूरा डोल है हम और पूरी साथ संगत ऐसे ही अडोल है अपने गुरुजी के प्रति। सर कितने लोग हैं आज उनके साथ? वही 6-7 करोड़ के करीब है। सर क्यों लोग जुड़ते हैं उनके साथ, मतलब लोगों के लिए किया क्या है? प्रेरणा इतनी अच्छी है उनकी कि जीते जी खून दान करना, मरने के उपरांत आँखें दान करना, गुर्दे दान करना, गरीबों के मकान बनवाना, जवान लड़की जो है आर्थिक पोजिशन खराब है उनकी, जो है उनकी लड़की की शादी करवाना, पढ़ाई का खर्चा उठाना, सर्दियों को कंबल, अब जैसे ये सर्दी का मौसम चल रहा है कंबल बांटती है साथ संगत, इतने मानवता कार्य करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। जैसे गुरुजी ने प्रेरणा दी है, बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। क्या जरूरत है संत जी की समाज को? पूरी जरूरत है, पूरा जो है नशे में लोग डूब रहे हैं, बहुत बुराई बढ़ रही है, तो इसमें जरूरत है, इस समय संत की तो जरूरत है। ये तो सब राजनीति के तहत करा जो भी करा। सर क्यों जरूरत है, मतलब प्रभाव क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से संत जी समाज में? नशा बढ़ गया 3-4 सालों से, नशा लोग बहुत करने लगे। जैसा गुरुजी के सत्संग होते थे लोग गुरु मंत्र लेते थे, बुराइयां छोड़ देते, अच्छे रास्ते पे चलते थे, तो सारा अच्छा ही माहौल था। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके जो गुरुजी हैं इनको जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए, मतलब इन्हें छोड़ा जाए, ये बाइज्जत बरी हों, क्योंकि इन्होंने कोई भी जो दूसरे की बुराई छुड़ाता है वैश्याओं को, मतलब अपनी बेटी बना करके शादी करवाई गुरुजी ने, ऐसी ऐसी प्रेरणा देते हैं गुरुजी, क्या जो कर्म गुरुजी पे थोपे गए हैं वो सारे निराधार हैं, गलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार पब्लिक सामने आ रही है, लगातार आपको बता रही है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।